हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में ये जो हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 2022 का स्पेशल बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है। और अभी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ वो बना रही हूँ एमपी भोज से, जिन्होंने स्पेशल बीएड का फॉर्म डाला है। अभी 2024 चल रहा है हमारा, जो 23-25 वाले सेशन के निकले हुए हैं फॉर्म, तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में बताती हूँ, अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं तो आपका एंट्रेंस इजीली निकलने की संभावना है, और आप उसको बार 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 रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो जो भी उत्तराखंड वाले अभी 2023 में एंट्रेंस, सॉरी 24 चल रहा है, 2024 में जो एंट्रेंस देने वाले हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो आप इसको प्रॉपरली देख सकते हो कि किस टाइप से पेपर आता है। बाकी अभी एमपी भोज वाले प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपके स्पेशल बीएड के क्वेश्चंस भी हैं, स्पेशल जो आपका एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है अलग से। ठीक है, इसमें तो सारा जीके रीजनिंग वगैरह सब इंक्लूड है। 100 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप नहीं, स्पीडो मोड ऑन करके देखो, बट वीडियो को पूरा देखना। और मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, दोबारा मौका नहीं आएगा, प्लीज आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है अंतरराष्ट्रीय। इंग्लिश वाले कंफर्टेबल है तो यहाँ इंग्लिश में अभी पढ़ लेना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, फियोर्डा की भूमि किसे कहते हैं? तो फियोर्डा की भूमि कहते हैं नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियां की परिकल्पना की गई है? तो 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग 5 देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सारनाथ कहाँ पे है, और प्लीज यार कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे कमेंट का रिप्लाई किया, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर किया करो, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब वन वे नहीं होना चाहिए ना लर्निंग का प्रोसेस, 2 वे होना चाहिए, आप मुझसे मैं आपसे, इस तरीके से सीखना सिखाना चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना द्वारा अधिग्रहित की गई पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? तो उसका नाम था हमारा चक्र। ठीक है, कहीं किसी क्वेश्चन में आंसर मैंने गलत बताया हो तो आप लोग मुझे डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि उसमें क्या करेक्शन की जा सकती है। वैसे मेहनत करके मैंने इनके आंसर सही ही ढूंढने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 की अगर हम बात करें तो 7 है यहाँ पे, सूर्य से ऊष्मा को पृथ्वी द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। सूर्य से ऊष्मा को पृथ्वी द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है तो विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एड्स से संबंधित है? तो एड्स से संबंधित एचआईवी, एचआईवी के आप लोग फुल फॉर्म मुझे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 9 देखते हैं, तो 9 में इन्होंने पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक संशोधित तना है? गाजर, शकरगंध, नारियल या आलू? तो कौन सा संशोधित तना है यहाँ पे? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है आपका अकबर। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोपाल गैस आपदा जो हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? तो वो 1984 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार अक्टूबर 1959 में नागौर में शुरू की गई थी। नागौर राजस्थान में है। ठीक है, ये DSSSB में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये उसमें भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37वीं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं यहाँ पे, तो किस महासागर को एस आकार का महासागर कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर है, और ये व्यस्तम बहुत ही बिजी वाला एकदम महासागर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में मूल नागरिक अधिकार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में ये क्वेश्चन आए जाते हैं भाई, आ ही जाते हैं कि कौन सी चीजें कौन से संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे मूल नागरिक अधिकार हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है? तो हमने यूएसए के, ठीक है, यूएसए के संविधान से हमने ये चीज ली है। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? रडा रडा क्वेश्चन है, 16 सितंबर। और बार 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 ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो इसको तो आप रट लो। ये मैंने जितने पेपर करवाए ना एंट्रेंस के, ये क्वेश्चन आया ही हुआ है। तो ओजोन दिवस आई थिंक उनका फेवरेट है, तो ओजोन वाला पूछते ही पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 18, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबको इसका उत्तर पता होगा, 8 राज्यों से। और ये 8 राज्य कौन से हैं, इनको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो भारत इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की, सबको पता ही होगा, युद्ध चला हुआ है अभी। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश, MP वालों जरा इसको ध्यान से करना। आगे हमारा कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑंकोलॉजी, ऑंकोलॉजी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गवर्नर जरूर पूछते हैं, प्रेजेंट में आपका गवर्नर अभी कौन है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये पूछा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था, पता ही होगा सबको, करंट का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं सामान्य बुद्धिमता, जो हमारी रीजनिंग है, और यहाँ पे मैं सिर्फ राइट आंसर स्टिक कर रही हूँ भाई। मैंने आपको बताया था मेरी रीजनिंग अच्छी है, 20 में से 16-17 नंबर वाले नंबर आने वाली रीजनिंग है मेरी, लेकिन मैं आई थिंक रीजनिंग में थोड़ी सी समझा नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो खुद तो लॉजिक लगा के कैसे भी कर लेती हूँ आंसर सही फाइंड आउट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ, तो आप लोग इसको कॉपी पेन लेके सही से इसको 2% बैटरी, आई डोंट थिंक सो कि हमारी रिकॉर्डिंग हो पाएगी पूरी। तो यहाँ पे आपको की करना क्या है कि इनको सॉल्व करना है। तो अभी हमें इसका राइट आंसर टिक करके इसको मैं आगे 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 फटाफट करती हूँ, ताकि 2% बैटरी में हमारी आगे की वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। तो यहाँ पे पहले का हो जाएगा बी, और पहले नहीं 26वें का बी, 27वें का हमारा लास्ट वाला, उसके बाद 28वें का हमारा हो जाएगा ब्रह्मांड। और इनको सॉल्व जरूर करना, लगता है कि हम लोग कर लेंगे पेपर में, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत फर्क पड़ता है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो बार बार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा हो जाएगा 22। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका आंसर है सही वो है 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, 31 में आएगा 3.6, 32 में आएगा आपका दर्जी, उसके बाद आपका ये सबसे गंदे क्वेश्चन लगते हैं मुझे, सच में बता रही हूँ, रीजनिंग में सबसे घटिया चैप्टर लगता है मुझे ये, तो गंदे लगते हैं ये मुझे। ओके, इसका 4 है, बस मुझे सीरीज अच्छी लगती है, और एक वो अल्फाबेट वाला, बस एनालॉजी वाला, और ये रिलेशन वाले तो मेरे फेवरेट है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा इसको सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है कैलेंडर से रिलेटेड है, और कैलेंडर का कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया है, तो शुक्रवार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे 36 का आंसर आपको देखने को मिलेगा 8, 37 का आपको आंसर देखने को मिलेगा 46, उसके बाद हमारा 36 है, 38 का आपको आंसर देखने को मिलेगा फर्स्ट, 39 का है आपका दक्षिण। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, इजी होते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 है, इसका जो आंसर है वो है चचेरा भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है बी, ठीक है।
इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर यही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करते हैं तो 42 का आंसर है यहाँ पर हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 43 का आंसर है हमारा 24, और 44 का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 18, कौन सा है 18। उसके बाद हमारा 45 का है हमारा ए बोस, ठीक है, और 46 का हमारा यहाँ पे आंसर है दीपक, दीपक दीपक ये रहा दीपक। 47 का है हमारा फर्स्ट, 48 का है हमारा बी, 49 का है हमारा बी, और 50 का है हमारा सी, ठीक है। अब हमारे विकलांगता से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पर है कौन सा अधिनियम विकलांगों से संबंधित है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, आरसीआई एक्ट, आरपीडब्ल्यू अधिनियम या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही अधिनियम विकलांगों से संबंधित है, दिव्यांगों से संबंधित है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि NIEPMD संबंधित है, किससे संबंधित है NIEPMD, तो ये हमारा संबंधित है एकाधिक अक्षमताएं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इसकी मुझे फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करेंगे NIEPMD, ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, CWES SN का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो ये फुल फॉर्म्स है इनको आप लोग इंग्लिश में याद करेंगे वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, हिंदी में आप इसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, बेंचमार्क विकलांगता का प्रतिशत क्या है, ठीक है, तो बेंचमार्क विकलांगता का प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। और यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पे लिखा है बेंचमार्क विकलांगता, तो बेंचमार्क कोई विकलांगता नहीं होती, विकलांगता को निर्धारित करने वाला एक मार्क है, जैसे हमारा हॉलमार्क होता है ऐसे बेंचमार्क होता है विकलांगता को मापने के लिए, ठीक है। तो जो 40% या फिर 40% से ज्यादा होती है उसको हम बेंचमार्क विकलांगता बोलते हैं। और कभी भी आप देखना जैसे पेंशन वगैरह जब बनती है दिव्यांगों की, तो उनसे बेंचमार्क विकलांगता सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि क्या आपकी जो बेंचमार्क विकलांगता है क्या वो 40% या 40% से ज्यादा है, तो ये कोई विकलांगता नहीं है, विकलांगता को मेजर करने का एक क्राइटेरिया है जो कि 40% है, ठीक है। और अभी बिना माइक के रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो, बैटरी बिल्कुल जा चुकी है और पॉज कर करके इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो अभी इसको चार्जिंग पे लगा दिया है, बस 5-10 मिनट की और वीडियो बनेगी, तो इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो बेंचमार्क विकलांगता समझ आ गया, होप आपका डाउट क्लियर हो गया। तो किसी भी तरीके की विकलांगता नहीं है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि बेंचमार्क क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंचमार्क विकलांगता है क्या, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RPWD अधिनियम के अंतर्गत कितनी विकलांगताएँ शामिल है, RPWD, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, और फुल फॉर्म मैं बार 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 हर वीडियो में बोल रही हूँ कि फुल फॉर्म आप लोग बिल्कुल रट लीजिए कुछ फुल फॉर्म। अभी आपको एग्ज़ाम जब भी आपका होगा 3 से 4 दिन पहले, मैं आपको सारी जो भी फुल फॉर्म्स है मैं उसको अलग से नोट डाउन कर रही हूँ, तो वो मैं आपको सारी करवा दूँगी ताकि आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लें, तो अगर आपके एग्ज़ाम में आती है तो आप लोग उसको करेक्ट आंसर कर पाएँ, क्योंकि आपका वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। MP भोज वालों की नेगेटिव मार्किंग है, स्पेशल BEd जो उत्तराखंड से करेंगे उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये उत्तराखंड का पेपर है, बट मैं जो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, ये मैं MP वालों के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो RPWD जो है अधिनियम एक्ट है, उसके अंदर हमारे जो टोटल विकलांगताएँ शामिल की गई हैं वो की गई है हमारी 21, ठीक है। RCI है, RCI क्या है तो आपको ये बताना है, तो ये है विशेष शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देने वाला, जैसे आपका NCTE होता है ना, जैसे मैं प्राइमरी टीचर हूँ, तो मेरा जो इंस्टीट्यूशन था जहाँ से मैंने डाइट की थी, तो उस डाइट को कहीं से मान्यता प्राप्त है, और जहाँ से मान्यता प्राप्त है उसका उसको बोलते हैं NCTE। तो ऐसे ही जहाँ से आप विशेष शिक्षा स्पेशल स्पेशल टीचर बनने के लिए जहाँ से आप
कोर्स करते हो तो उसके जो मतलब जो आपका जो कॉलेज है उसको जो मान्यता मिलती है वो मिलती है RCI से। ठीक है, तो यहाँ डाउट क्लियर हो गया। तो विशेष शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देने वाला जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको हम RCI बोलते हैं। RCI की फुल फॉर्म एक बार मुझे कमेंट कर दो, और आज वीडियो में मुझे कमेंट दिखने चाहिए तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग सच में यार कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ रिप्लाई किया करो। ठीक है, अपना भी दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ, सर्च करो क्या है क्या नहीं, क्योंकि जब हम खुद से करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। नेत्रहीनों के लिए प्रथम विद्यालय की शुरुआत हुई थी, कहाँ हुई थी? अमृतसर में। 58 है हमारा, SSA किसके अंतर्गत आता है? SSA की फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, और इसमें अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं काफ़ी सारी, टीचिंग को छोड़कर। अगर किसी को करनी है तो आप लोग SSA की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें पियोन है और स्वीपर है और स्टोर कीपर है, जो ये डाटा एंट्री वगैरह होते हैं, ITs होते हैं। ठीक है, और मेंटेनेंस वगैरह है, तो काफ़ी सारी पोस्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में फिर काम करेंगे, और ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा SSC हमारा आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 59 है बौद्धिक अक्षमता है। ठीक है, जो हमारा बौद्धिक अक्षमता है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो क्या है? तो वो एक तंत्रिका संबंधी विकार है, दृष्टि संबंधी नहीं है, शारीरिक संबंधी भी नहीं है, बौद्धिक मानसिक मतलब बौद्धिक मतलब हाँ दिमाग से रिलेटेड है, तो तंत्रिका संबंधी वो हमारा डिसऑर्डर है। 60 है कौन सा विशेष शिक्षा का हिस्सा नहीं है? ब्रेल है, अभिविन्यास और गतिशीलता पढ़ना, बड़े प्रिंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विशेष शिक्षा का हिस्सा नहीं है। तो देखो, विशेष शिक्षा जब आप स्पेशल एजुकेशन देते हैं, ब्रेल यूज़ होता है, अभिविन्यास ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी होती है उसके अंदर, ठीक है, गतिशीलता होती है, ठीक है, बड़े प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चे देख नहीं सकते, आप बड़े बड़े प्रिंट्स उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिनको कम दिखता है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको वो कैच कर पाए चीज़ों को, या जिसको नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, पढ़ना स्पेशल एजुकेशन, रीडिंग स्पेशल एजुकेशन का पार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएँ तो, इन तीनों के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो पढ़ना ठीक है, पढ़ना होता है, बट पढ़ना ही अगर हम बच्चों को मतलब बिल्कुल उस पर फोकस कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। हाँ, ब्रेल यूज़ करते हैं हम, अभिविन्यास है, ठीक है, ओरिएंटेशन कराते हैं हम उनका, ठीक है, तो इस तरीके से बड़े प्रिंट्स होते हैं, बट पढ़ना नहीं आएगा इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है कौन सी योजना विकलांगता से संबंधित नहीं है? कौन सी योजना विकलांगता से संबंधित नहीं है? तो ब्रेल प्रेस योजना है, एडिप है, सिप्टा है, सिप्टा और SBA नहीं है। ठीक है, और इनकी फुल फॉर्म्स आप परेशान मत होइएगा, मैं वीडियो डालूंगी आगे 2-3 दिन में, तो काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, ओके, तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो इसमें SBA को आप लोग काउंट कर सकते हैं। बहुविकलांगता कौन सी है ये आपको बताना है। तो बधिर नेत्रहीन, बौद्धिक विकलांगता, श्रवण हानि या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूछा बहुविकलांगता, बहुत सारी मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो बौद्धिक विकलांगता है तो सिर्फ आप बौद्धिक रूप से हो गए ना, श्रवण हानि है तो सिर्फ सुनने से रिलेटेड है, लेकिन बधिर और नेत्रहीन यानी बहरा भी और देख भी नहीं सकता, तो ये डबल हो गई, मल्टी हो गई है ना, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। दृष्टि हानि एक है, दृश्य हानि, ठीक है, जो हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट है वो क्या है? बौद्धिक विकलांगता तो है नहीं, न्यूरोलॉजिकल विकलांगता नहीं, न्यूरोलॉजिकल बेसिकली मुझे लगता है शायद ऑटिज्म में होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ऑटिज्म में होता है, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। तो संवेदी अक्षमता है, सेंसरी डिसेबिलिटी है, जो आपका विजुअली इम्पेयर्ड है। ठीक है, विजुअली इम्पेयरमेंट जो है आपकी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। सीखना सीधे किस पर निर्भर करता है? तो सीखना किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हटा दो। माता पिता का रवैया, सहकर्मी रवैया। देखो, जब आप सीख रहे हो
तो ऑब्वियस ही बात है आपकी इंटेलिजेंस पे उसका प्रभाव आपकी इंटेलिजेंस पे निर्भर है। अब आपके दोस्त का क्या व्यवहार है, आपके माता पिता का व्यवहार है, उससे आप सीखने का क्या लेना देना है ना। तो सीखना सीधे किस पर निर्भर करता है, इंटेलिजेंस पे, हमारी बुद्धि के ऊपर कि हमारी बुद्धि कैसी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है। ECC का अर्थ है भाई, फुल फॉर्म तो भर भर के पूछी जाती है स्पेशल बीएड में खासकर। तो ECC का फुल फॉर्म है हमारा बचपन की देखभाल। तो आप लोग फुल फॉर्म्स को इंग्लिश में याद कीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है। IEDSS संबंधित है, IEDSS किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है एजुकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विकलांग शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 65 है समावेशी शिक्षा के लिए, विकलांगों के लिए, गैर विकलांगों के लिए, विकलांगों के साथ विकलांगों की शिक्षा, विशेष शिक्षा। तो 60 समावेशी शिक्षा, जैसे कि मैं आप बताती हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन भी बड़े अटपटे से दिए हुए हैं। समावेशी शिक्षा के लिए है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन इज मीन फॉर, विकलांगों के लिए शिक्षा नहीं जी, गैर विकलांगों के लिए शिक्षा नहीं जी, विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन नहीं, ये भी नहीं होगा, विकलांगों के साथ विकलांगों की शिक्षा। बड़े कंफ्यूजिंग वाले हैं ये तो। यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की मैं आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सी दिया हुआ है, बट ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हमारा समावेशी शिक्षा होता है उसमें जो हमारे हर तरीके का बच्चा होता है, तो विकलांगों के साथ विकलांगों की शिक्षा ये नहीं होगा शायद, विकलांगों के साथ सामान्य मतलब बच्चों की शिक्षा, इस तरीके से ऑप्शन होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की हम लोग सी ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सी ही सही है, बट वो शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। RPWD अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया गया था, तो ये कब किया गया था आपको बताना है। तो ये किया गया था हमारा 19 अप्रैल 2017 को। कब किया गया था हमारा ये 19 अप्रैल 2017 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। सीखने की अक्षमता के अंतर्गत आता है, अगर बच्चा सीखने में लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको, तो वो किसके अंदर आएगा। MH मेंटली रिटार्डेड, NT, NT की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे, RPWD मैं फुल फॉर्म आपसे पूछ ही रही हूँ बार बार, और PWD। ठीक है, तो किसके अंदर आएगा वो बच्चा, तो वो आपका बच्चा जो आएगा वो आएगा RPWD। ठीक है, इनकी जब आपको फुल फॉर्म्स पता चल जाएंगी तो आप लोग इजीली और अच्छे से फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, मैं जल्दी आई थिंक, मुझे लगता है वीडियो लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे। ब्रेल में बिंदु होते हैं, और इससे पहले मैं कई बार ये क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, तो 6 होते हैं, तो इसको आप रट लो अच्छे से। 6 होते हैं, क्योंकि 6 और 8 में आपको कन्फ्यूजन होगी पेपर में जाके, जैसे जिसने ये पेपर किया हुआ है उसने भी 8 लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्र के संविधान में शामिल है, तो राष्ट्र के संविधान में नियम भी शामिल है, कानून भी शामिल है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के नागरिक प्रतिनिधियों को, क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने, एक सेकेंड, चयन में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो भारत के नागरिक है वो प्रतिनिधियों को चयन में कैसी भूमिका निभाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या विनम्र या कोई भूमिका, तो वो प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमारे बीच से ही चुन के जाता है हमारा प्रतिनिधि। सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में स्वतंत्र लोगों को क्या कहते हैं, जो सरकार का जो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे, वहाँ पे स्वतंत्र लोगों के स्वरूप को क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, संप्रभु। क्या बोलते हैं, सोवर्जन, संप्रभु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, 13 साल का बच्चा अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाल श्रम। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन आपका स्वास्थ्य का अधिकार, जो हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट है, हमारा जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें 76 की, धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य बढ़ावा देता है, तो राज्य जब हम सेकुलर होते हैं तो हम लोग एकाधिक धर्म, एक से अधिक धर्मों को हम लोग आगे क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के
दूसरे प्रधानमंत्री आपको बताना है, तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 78 है, डैश वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, तो 6 से 14 वर्ष, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और छोड़ो के नारे के का आविष्कार किया था, फूट डालो और छोड़ो ये नारा कब दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, तो ये दिया गया था कराची सत्र 1943 में। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना थी, कब हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, 6 अगस्त 1952। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 82 है, एंग्लो रूसी कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत पहुंचा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो इम्पॉर्टेंट बोल रहे हो ना उनको और अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे ही जाते हैं, कुछ तो बिल्कुल कॉमन है वो पूछे ही जाते हैं, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा, 1928। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, 18वीं सदी के भारत में निम्नलिखित में से कौन कपड़ा उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, तो नहीं इन्होंने पूछा है, तो हमारा ढाका था, सूरत था, मदुरै था, लेकिन कालीकट हमारा नहीं था। कालीकट कहाँ पे है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता नगर निगम के मेयर कब बने, तो ये बने थे हमारे 1930 में, और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर भी सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। और सुभाष चंद्र बोस की मैंने अभी एक बुक पढ़ी है रिसेंटली, बहुत ही अच्छी बुक है, और लेकिन वो मैं लाइब्रेरी में रिटर्न करके आ गई, तो मैं उसका राइटर नहीं पता, वरना मैं आपको भी रिकमेंड करती, तो मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल ऐसे, उनकी मतलब उनके बारे में जान करके, अच्छा ऐसा हुआ था, मतलब बहुत बढ़िया बुक थी। और एक होता है कि आप जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो, और एक जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो ना तो आपके जीके और अच्छी होती है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, टाइम निकालिए और कुछ बुक्स आप ज़रूर पढ़िए। और अभी मैं जो बुक पढ़ रही हूँ वो भी रिसेंट में, अभी करंट में, तो अभी मेरी एटॉमिक हैबिट्स अभी चल रही है, आई थिंक वो उसके शायद 60-70 पेज रहते हैं, कंप्लीट होने वाली है, तो ये बुक भी आप लोग पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है आप में से कईयों ने पढ़ भी रखी होगी वो बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएँ खींची जा सकती है, तो दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है, गणित का जनक किसे माना जाता है, कपिल देव को, नहीं, पाइथागोरस को। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, मैथमेशियन और एस्ट्रोनॉट कौन थे, तो ये थे हमारे आर्यभट्ट, कौन थे, आर्यभट्ट। 89 है हमारा, गणित की कौन सी शाखा अज्ञात राशियों को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करती है, तो बीज गणित, ठीक है, जो हमारा एलजेब्रा होता है, मान लो एक्स मान लो वाई, ठीक है, ऐसे इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एलजेब्रा में होते हैं। निम्नलिखित में से किसने बीज गणित का आविष्कार किया, तो ये किया था भास्कर जी ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, नॉट किसकी इकाई है, नॉट हमारी गति की इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 93 है, मानव शरीर में कौन सा अंग जल संतुलन के लिए जिम्मेदार है, तो गुर्दा इसका सही आंसर हो जाएगा। आसपास का शोर आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसी गली में रहती हूँ जहाँ पे शोर, आई थिंक मुझे लगता है रात को, तो फिर वही है, रुक जग के मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, और अभी मैं सोच रही थी एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं सो जाती हूँ, बट ये आप हल्ला सुन सकते हो, ये देखो ये बहुत चिल्लाते हैं लोग, मतलब गेट बंद है, अंदर का स्टील आवाज़ आ रही होगी आपको, कोई नहीं, थोड़ा मैनेज आप कीजिए, थोड़ा मैनेज मैं कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जानवर अंडे नहीं देता है, तो अरे ये तो इतना ईजी क्वेश्चन है, बंदर अंडे थोड़ी देता है ना। ओके, 95 है, सूखी बर्फ क्या है, तो सूखी बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 96 है, और लास्ट के 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, और बोलते बोलते मेरी हालत ख़त्म हो चुकी है, मतलब मैं सोच रही हूँ अभी आने वाले टाइम में अगर मैं लाइव क्लास लूँ, मैराथन लूँ मैं लाइव,
क्या ही हालत होगी, क्योंकि सच में यार बोलना नहीं जाता कंटिन्यू, तो क्लास में भी ऐसा पढ़ाओ तो आई थिंक 15-20 मिनट बाद सर पानी पीने की जरूरत पड़ जाए बस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किसी विटामिन की खोज सर किस विटामिन की खोज एडवर्ड मेलनबी ने की थी, तो ये आपको बताना है, तो विटामिन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 है, इनके आंसर्स ठीक हुए हुए हैं, मिट नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों मिट गए। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के गुणों को निर्धारित करने में मदद करता है, तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका जीन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है, ग्लूकोज में कितने प्रकार के तत्व होते हैं, तो कितने प्रकार के तत्व होते हैं यहाँ पे हमारे, 3। ध्वनि मापी जाती है, तो ध्वनि हमारे डेसिबल में मापी जाती है। एंड लास्ट वन इज डैश, सोने का प्रतीक है, तो क्या सोने का प्रतीक है हमारा, हमारा सोने का प्रतीक है AU। क्या है AU हमारा क्या हो जाएगा, सोने का प्रतीक। और ये आपके 100 क्वेश्चंस थे, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको समझ आया हो, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, वैसे मैंने सारे आंसर्स ऑफिशियल आंसर की थी और कुछ मैंने ढूंढे हैं, क्योंकि कहीं 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 पे हमें भी डाउट हो जाता है, तो इस तरीके से मैंने ये पूरी आंसर की आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ से इसको PDF को ले लो, ठीक है। और बाकी इसकी प्रिपरेशन करते रहो, और जल्दी मैं जो फुल फॉर्म्स है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द ही, तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है, क्योंकि कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एंड गुड नाइट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर, और इससे पहले हम लोग रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज हम GK के 20 क्वेश्चंस और टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस आपको MCQ के फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 31 की बात करें, तो उसमें पूछा हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र, बिहार सॉरी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका पॉपुलेशन की मतलब दृष्टि से जो लार्जेस्ट जो है हमारा स्टेट है हमारा इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने यह सिफारिश की थी कि विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में बहुउद्देशीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने चाहिए, कि जो मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो बहुउद्देशीय विद्यालय होते हैं जो काफ़ी सारे उद्देश्य को पूरा कर सके, ऐसे विद्यालय प्रारंभ किए जाने चाहिए, तो ऐसी सिफारिश कौन से कमीशन ने की थी, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए आंसर सही है, मुदालियर कमीशन, जो कि 1952-53 जो इसकी है एस्टैब्लिशमेंट मानी जाती है, तो इन्होंने क्या किया था कि जो है ये रिकमेंडेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान में 395 जो है क्या है अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंग कौन से हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन तरीके के क्षेत्र होते हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के, उसमें से प्राथमिक क्षेत्र के अंग आपसे पूछे गए हैं, तो जो है इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एवं फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन इन द सेंस कि इसमें जो मतलब जो विकल्प दिया गया है वो उथल पुथल सा दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, उसके अंदर हमारे सारे आ रहे हैं, इट मीन्स कि सारे ही हमारे किस में आएंगे, ये हमारे प्रथम क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है, जो मेघालय पठार है वो अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो वो किसके सिमिलर पीरियड में आता है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा सी, छोटा नागपुर। वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा की दर कितनी निर्धारित की गई थी, तो वो की गई थी हमारी सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 37 है, 1914-15 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए उराव आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है या कौन था, तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जात्रा भगत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन वलित पर्वत है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन इज़ मतलब अरावली, ठीक है, सबसे जो प्राचीन पर्वत माला है अपनी अरावली है। हेनरी विवियन देरोजियो ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की,
तो उन्होंने की थी, युवा बंगाल आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की थी। छत्तीसगढ़ में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 के लिए सकल घरेलू, तो इसमें जो है घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई, तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका जो आपका आंसर है वो है ए 7.08%। 41 है, ईमेल की खोज निम्न में से किसने की है, तो ईमेल की खोज की थी रे टॉमलिंसन ने, और बाकी के जो ये दिख रहे हैं आपको नाम, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके कि इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2018 का विषय था, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है बी शांति के लिए योग। 43 है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में भारत की निर्गुट नीति का प्रारंभ हुआ, जो नॉन अलाइनमेंट था हमारा, गुट निरपेक्ष था, वो हमारा कब मतलब जो है प्रारंभ हुआ, ठीक है, कौन से सम्मेलन में, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है हमारा, ये हमारा बादुंग सम्मेलन में स्टार्ट हुआ था। निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, तो लोनेज इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, यह कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, रैंकिंग मतलब दी जाती है बच्चों को कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, सदन के मुखिया के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है, ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है, तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य सभा का सभापति, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। सदन के मुखिया के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है, तो राज्य विधानसभा का स्पीकर, राज्य विधानसभा का स्पीकर, राज्य विधान परिषद का सभापति, मतलब उसको सभापति बोला जाता है, और लोकसभा का जो मेन हेड होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा का स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा का जो वो होता है उसको हम सभापति बोलते हैं राज्यसभा का, ठीक है, तो ये हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, महाभियोग द्वारा किसे पदच्युत किया जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन इसका सी, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को आप लोग जो है महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं, तो इसमें आपका जो है राष्ट्रपति आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उसके बाद हमारा है वेस्ट नील विषाणु संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है सी, मच्छर इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 है, वर्ष 2001 से 2011 की दशकीय अवधि में भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि क्या रही है, तो वो रही है आपकी 2.14%। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की ये फुल फॉर्म है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, और फुल फॉर्म मैं रिकमेंड करती हूँ कि इंग्लिश में आप लोग याद करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद भी रहती है। ओके, तो NCERT ने NCF 2000 को समीक्षा किस रिपोर्ट की रोशनी में की, तो वो की थी हमारी शिक्षा बिना बोझ के 1993, ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन मतलब जो आंसर हो गया। अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन का नंबर्स आपका 30 रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक विद्यालय के किसी कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचता है तो उस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे, आप एक प्रिंसिपल है, आपके स्कूल में कोई टीचर टाइम पर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 का आंसर है वो आपका हो जाएगा जो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उस शिक्षक से मिलने को कहेंगे, ठीक है, उसे अकेले में बुलाएंगे और फिर जो भी है बताएंगे। अब प्रबंधन समिति को तो जाके एकदम आप हायर अथॉरिटी को तो बोल नहीं सकते जाके, और सभी के देखो सभी के सामने तो हम बच्चे को भी नहीं डांट सकते, टीचर तो बहुत अलग ही बात हो गई है। आप उनके उत्तरदायी तो भाई टीचर को पता है कि उसे टाइम पर आना है, तो वो उसे बताने की ज़रूरत है नहीं, तो बींग अ प्रिंसिपल आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नांकित में से कौन सा गुण अधिगम को सही रूप से परिभाषित करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, अवबोध कल्पनाशीलता एवं कार्यकुशलता, अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन एंड वर्कमैनशिप। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है,
नहीं इन्होंने पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कीबोर्ड। बाकी सारे क्या हैं आपके, ये जो है ये आपके हैं सारे इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। कीबोर्ड है, सॉरी आउटपुट डिवाइस नहीं पूछा है इन्होंने, तो प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन कीबोर्ड आपका आउटपुट नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है आपकी। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब परीक्षाएँ निकट हो, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना चाहिए। तो बी ऑप्शन, जब विद्यालय मतलब जो एग्ज़ाम होंगे तो आप एक्स्ट्रा टाइम देके जो करिकुलम है उसे क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे। अब अपने घर तो बच्चों को बुला नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और विद्यार्थियों को बोलेंगे भाई अपना जो करिकुलम है वो खुद पूरा करो, सिलेबस पूरा करो, तो ये भी नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो आपका डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे, उसमें ये बोला गया है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में उनकी सहायता करनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, आप उसका सिलेबस पूरा कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, यह तथ्य है कि हर बच्चा एक दूसरे से हर मामले में अलग होता है, तो यह तथ्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है, इसका जो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, शिक्षण में शिक्षक हेतु एक बड़ी बाधा है, ये जो है बड़ी बाधा है, और मतलब सच में ये प्रॉब्लमेटिक तो है कि हाँ मतलब हर एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे क्या हैं, मतलब बहुत अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, तो शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है, ये भी गलत है। ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना, ये तो गलत हो जाएगा। जहाँ भी लगे आपको कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं उसको आप वैसे ही क्रॉस कर देना, ये बहुत बड़ी बाधा है, बिल्कुल ये बाधा है कि अगर 40 बच्चे आपकी क्लास में, 40, 70, 100 जितने भी हैं, हर बच्चे एक दूसरे से अलग होता है, तो वो बाधा है, लेकिन उसका समाधान भी है, हम अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करके उनको पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया है, व्यवहारिक बुद्धि का जो संप्रत्यय जो कॉन्सेप्ट है वो स्टर्नबर्ग ने दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 57 है, एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाली तकनीक शामिल करती है, 57 का है बी, अंतःक्रियात्मक लेक्चर, सॉरी इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ये लगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी चार हो जाएंगे इसमें, ठीक है, इसका ये चार हो जाएंगे, मतलब अगर एक शिक्षक है उपयोग में लाए जाने वाली तकनीक, तो उसमें हाँ वो तो सारे यूज़ करती है ना, लेक्चर भी, अंतक्रियात्मक लेक्चर भी, ग्रुप वर्क भी टीचर जो है वो अपने स्ट्रैटेजी में यूज़ करती है, और सेल्फ स्टडी भी, ठीक है, तो ये सारे सही हो जाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के लिए ज़्यादा सही है, ज़्यादा सही इन्होंने पूछा हुआ है आपसे, तो ये संप्रत्यय को ज़्यादा लंबे, देखो जहाँ पे याद रटने वाली चीज़ याद आए ना, तो वो वाला टॉप मतलब जो ऑप्शन है वो वैसे ही डिलीट कर देना, यह छात्रों को बेहतर सीखने में सहायता करता है, ये सही बात है, लेकिन हमें बेस्ट वाला चूज़ करना है, ठीक है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है, बिल्कुल ये रोट लर्निंग गलत है ये, ठीक है, तो ये बी और सी में से ही आपका जो है एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 58 है इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो रोचक होगी तो ऑब्वियसली बात है बच्चों को सीखने में हेल्पफुल हो गई होगा, तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सी में इंक्लूड है, इसलिए हम सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। आज बच्चे एक शताब्दी पूर्व की तुलना में अधिक भावनात्मक दबाव में है, ऐसा क्यों है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ बच्चों के संबंध कमज़ोर हो गए हैं, इस वजह से भावनात्मक दबाव आज के टाइम पे बच्चों में बना रहता है। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में, अगर बच्चे ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं तो ऐसे संदर्भ में क्या होना चाहिए, तो ऐसे में आपको इसे हम गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। बाकी के ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला ऑप्शन इसका सही था। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, अभिप्रेरणा का मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, छात्र द्वारा निश्चित तर्कसम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बी हो जाएगा। देखो अभी प्रेरणा जो मोटिवेशन है उसका एक नियम होता है कि छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए वो मतलब मोटिवेट करती है। वो कब मोटिवेट करेगी? जब छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं। ठीक है, उनको एक लक्ष्य दिखाया जाता है और वो तर्क सहित उस लक्ष्य का अनुसरण करते हैं। ठीक है, 62 है, उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है? वो निर्देश तंत्र का आपको नाम बताना है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त की। हाँ, हमें पता है कि हर बच्चा अलग है, उनको हम निर्देश देते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइट थ्योरी है। इनसाइट थ्योरी किसने दी है, अगर किसी को पता है तो कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। 63 है, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है। आपकी कक्षा विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है, आप किस प्रकार की बैठक की व्यवस्था की अनुमति देंगे? तो इसमें हो जाएगा जहां छोटे कद के विद्यार्थी इस प्रकार बैठ पाएँ कि वे कक्षा की गतिविधियों को सरलता से देख व समझ सकें, सहभागिता कर सकें। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोच के और फिर ज़्यादा आदर्शवादी नहीं बनना है, वरना सही आंसर हम लोग चूज़ नहीं कर पाएंगे। 64 है, निम्नलिखित में से आपकी ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो आपकी ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण कर्तव्यनिष्ठता से किए हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 65 है, रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा तथा उस परीक्षा में उसे ए प्राप्त हुआ, परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसने पुनः परीक्षण किया उसे पढ़ी हुई कोई सामग्री याद नहीं। नेहा की स्मृति में यह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक की गई? तो 65 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वही उसकी वर्किंग मेमोरी तक। ठीक है, वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुँची। 66 है, कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं। ठीक है, तो जो उत्साही होते हैं वो विद्यार्थियों को शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं। उसके बाद बाकी ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो ये मतलब आपको खुद ही लगेगा कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता उच्चतम स्तर की है? कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता? देखो, संज्ञान हमारा सोचने समझने दिमाग से रिलेटेड बेसिकली होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, तो क्षमता उच्चतम स्तर की है। तो 67 का आपका सी हो जाएगा, विश्लेषण करते हैं तो वो एक उच्चतम स्तर की कॉग्निटिव एबिलिटी मानी जाती है। बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? बच्चे का आक्रामक व्यवहार है, अग्रेसिव बिहेवियर है, तो आप उसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बी हो जाएगा, उसके व्यवहार के। देखो, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है तो सबसे पहले आपको उसके रीज़न जानने हैं, तो जहाँ ऐसा रीज़न वाला अगर ऑप्शन मिले तो आप लोग आँख मीच के उसको टिक कर देना। 69 है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप उसके पालकों से बात करेंगे, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपका सम्मान नहीं कर रहा, यानी कि वो घर में भी कुछ ना कुछ इश्यूज उसको आ रहे होंगे या वो घर वालों के साथ भी ऐसे बिहेव रखता होगा। 70 है, विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच की सर्वोत्तम विधि, आपको बच्चे का होमवर्क चेक करना है तो उसकी सर्वोत्तम विधि क्या है? देखो, बुद्धिमान बच्चों को बोल दो भाई इनकी कॉपी चेक कर दो, तो वो तो गलत है। सैलरी आप ले रहे हो, कॉपी उनसे चेक करा रहे हो, है ना, गलत है ना ये? तो यहाँ पे है नियमित रूप से शिक्षक द्वारा स्वयं जांच करना, हम खुद जांच करेंगे नियमित रूप से उसके होमवर्क की, सबसे अच्छी विधि यही है। 71 है, एक पुरस्कार जो गतिविधि के लिए बहाय है जैसे पहचान अथवा यह अच्छी श्रेणी डैश कहलाता है। तो जो 71 है आपका आंसर, उसका हो जाएगा आपका सी, बाह्य प्रोत्साहन कहलाता है। ठीक है, मतलब पुरस्कार अगर कोई दे रहा है तो वो हमारा इंटरनली मोटिवेशन नहीं है, वो हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आता है। 72 है, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, कौन सा गुण है विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण? तो वो है कठिन परिश्रम। 72 है ना, हाँ, तो इसका कठिन, एक मिनट, गलत है इसका, ये वाला कठिन परिश्रम नहीं होगा 72 का, इसका आपका होगा स्वतंत्र चिंतन। अगर बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है तो वो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो 72 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए 2 प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है,
तो ये दो प्रमुख चीज़ें कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये है अनुक्रिया एवं उद्दीपक, ठीक है। व्यवहारवादी जो विचारक थे उन्होंने ऐसा कहा है। कक्षा शिक्षक के पास कौन सी युग्म विशेषताएं उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती हैं, तो वो होती है प्रोत्साहन एवं निर्देश की उपयुक्तता। क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पे। यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर कार्य करने से मुंह मोड़ते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को समझाएंगे। तो ये तो नहीं होगा, इसका ये होगा कि सभी शिक्षक मिलजुल कर, देखो हमें ना एक रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, तो हम जैसा कर रहे हैं, अगर टीचर्स आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो बच्चे भी इससे सीखेंगे। महत्व तो हमें भी बहुत लोग समझाते हैं कि हम सारी चीज़ें समझते हैं, फॉलो करते हैं। मोस्टली हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो हमें किसी के बिहेवियर में दिखती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 75 है उसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 है, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो वो दी जाने, केवल बालिकाएं ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है इसलिए दी जानी चाहिए। भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं बुरी तरह भेदभाव का शिकार होती थी, बालिकाएं बालकों की संख्या में कम है, ये तो नहीं होगा। बालिकाएं बालकों से अधिक, देखो ये कंपैरिजन तो करना नहीं है कौन किससे बुद्धिमान है, ये हो सकता है कि हाँ भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं सच में ये भेदभाव का शिकार थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो सामाजिक परिवर्तन तो नेतृत्व तो वो तो मतलब लड़के भी कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 76 है इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, छात्र विभिन्नता के अनुसार निर्देश सामंजस्य का कौन सा तरीका है, छात्र विभिन्नता के अनुसार निर्देश सामंजस्य का कौन सा तरीका है, तो 77 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसमें है कि छात्र विभिन्नता यानी आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, तो आप निर्देश ऐसे किस तरीके से निर्देश देंगे, कौन से तरीके से ताकि वो सभी तक वो निर्देश पहुंच जाए, तो उसमें है कि कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि परीक्षण को प्रशासित करना, एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है। तो उनका जो है छात्रों की बुद्धि का वो पता है आपको, परीक्षण कर लेंगे कौन किस लेवल का है, तो आपको ये ईजी रहेगा कि हमें किस तरीके से निर्देश देने हैं क्लास में। एक शिक्षक अपने लिए पाठ योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा को शामिल करने हेतु कौन से तरीके हैं, व्हाट आर द सम वेज फॉर अ टीचर टू इंक्लूड विजुअल इमेजिनरी इन हिज हर लेसन प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सभी आएंगे चित्र नक्शे ग्राफ उपरोक्त सभी। 79 है, एक पाठ जो किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त है की विशेषता डैश होगी, ठीक है, किशोरों के विकासात्मक दृष्टिकोण से तो उसकी आपको विशेषता डैश होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, समझ तथा क्षमता में सतत वृद्धि करना, ठीक है, लगातार वृद्धि करते रहना। डिसलेक्सिया डैश से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने की रीडिंग डिसऑर्डर है एक, ठीक है, जैसे डी को बी को डी, डी को बी पढ़ना, ठीक है, ई उल्टा लिखना, पी और क्यू में कन्फ्यूजन होना, तारे जमी पर मूवी देखी है तो उसमें जो बच्चा होता है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो कैसी लगे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, आज हम रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या रहता है। तो आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो ज़्यादा अप नहीं रहेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, तो उसी अप डाउन को देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 पूछा गया है कि एक ही पिक्चर दी हुई है इसमें कितने स्क्वायर है ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो आपके स्क्वायर है वो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टोटल स्क्वायर है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है और नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा जब आप इसे फाइंड आउट करोगे तो बीच में गैपिंग के माध्यम से आप जो सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, तो 13 आ जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें घनों की संख्या ज्ञात करनी है तो काउंट करने पे आपको इसमें 15 घन मिलेंगे, आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खाली स्थान पर क्या होगा, तो ये जो हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अल्फ़ाबेट रिलेटेड जो होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको हर अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, उसकी कुछ ट्रिक्स होती है तो आप लोग ट्रिक्स के थ्रू याद कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको याद होते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है तो आप लोग ईजिली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जैसे ओ 20 जो ओ है हमारा वो आता है आपका 15 पे,
और क्यू आता है 17 पे, यानी दो का गैप है, तो दो के गैप के बाद जो क्यू 17 पे है तो 17, 18, 19 नंबर पे एस आता है, तो एस यहाँ पे फर्स्ट लेटर आना चाहिए आंसर के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों वैसे ही कट जाएंगे, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, और इन दोनों को अब आप आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न घन में कितने छोटे घनों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जा सकता है। तो ये जो घन की पिक्चर है आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, इसका आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो वो आपको मिलेगा सी। तो 8 जो है आप लोग बना सकते हैं। केंद्रीय वर्ग के विकर्णों पर संख्याओं के योग का अंतर है, जो विकर्णों की संख्याएँ हैं वो ये है 2, 13, 6 और 3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 14। तो 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही उत्तर जो है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, इनमें जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन को फॉलो करते हुए आपको इन चारों पिक्चर्स में से बताना है कि यहाँ पर कौन सी पिक्चर आएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका यहाँ पे सही वाला हो जाएगा डी। आप इसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, अगला चित्र ज्ञात कीजिए। तो आपको यह चित्र बताना है कि कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या। तो ये विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में विलुप्त संख्या 40 बनाएंगी। सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इतने ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं हैं। खाली स्थान में क्या होगा, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो सीधा सीधा पता चल रहा है सी 3 पे है, बी 2 पे है, ए 1 पे है, तो नेक्स्ट जेड आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाला काट दीजिए, अब इस तरीके से ओ ओ ओ है तो ओ वाला आ जाएगा, तो ओ तीनों में है तो तीनों ही होंगे। नेक्स्ट डी है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, देन उसके बाद क्या था, ये एफ है, ठीक है। तो क्या हो गया, डी 4, 5, 6, 7 नंबर पे क्या आता है आपका, जी आता है, तो ये वाला डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यही है कि आपको नंबर्स याद होने चाहिए, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि जब 3 ऊपर है तो नीचे कौन कौन से अंक आएंगे। तो ये डाइस वाले क्वेश्चंस हैं, पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो 5 आंसर आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन निम्नलिखित का जल प्रतिबिंब है, कि ये पिक्चर अगर आप जल में देखते हैं तो इसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। आप इमेजिन करके देख सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अब जल में रख तो नहीं सकते ना ऐसी इमेज, तो इमेजिनेशन काम करती है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सेकंड सही हो जाएगा। अब उसके बाद है, यदि इलेक्शन को हम कोड करते हैं इस तरीके से, तो यूनिवर्सिटी को कोड किस तरीके से, जो कोड किस तरीके से दिया जाएगा। तो इलेक्शन को अगर आप कोड करते हो तो ये बहुत ईजी है, इनमें मतलब आपको रिलेशन बैठाना होता है, और वो रिलेशन जब सही बैठ जाता है तो आपका आंसर निकल कर आएगा बी, ठीक है। यूनिवर्सिटी को आप इस तरीके से लिखेंगे, देखो जो इन दोनों में रिलेशन बैठेगा ना, इलेक्शन और इसमें जो ये दिया हुआ है, वही रिलेशन आपको यूनिवर्सिटी में बैठाना है। तो यूनिवर्सिटी जब में जब बैठाओगे इसके जो कोड में, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में भी वही पूछा हुआ है आपसे कि जो विलुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पर जो 14 के नंबर का क्वेश्चन है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा 481। क्वेश्चन नंबर 15 है, भिन्न को चुनिए। तो ऑड वन आपको चूज़ करना है, तो इसमें सी आपका सही हो जाएगा। अगला चित्र ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है अगला चित्र ज्ञात कीजिए। तो अगला चित्र हमारा है सी वाला, कौन सा है, सी वाला, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला हमारा अगला चित्र हो जाएगा। 17 है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 को जब आप सॉल्व करेंगे तो विलुप्त संख्या जो आपकी निकल कर आएगी वो आएगी बी, सेकंड वाली। निम्नांकित में से विषम ज्ञात करें, तो विषम आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे सी, कमीज कपड़ा। विषम ज्ञात करने, देखो पुस्तक, मेज, टेबल, ड्रॉअर
और कार चक्का, ठीक है व्हील। तो कमीज़ और कपड़ा में आपको जो है यहाँ पे अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पुस्तक के अंदर क्या होते हैं पेज होते हैं, ठीक है, और टेबल में क्या होती है ड्रॉअर होती है, और इसी तरीके से जो कार में चक्का होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कमीज़ कपड़े से बनती है, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगला चित्र ज्ञात कीजिए। तो अगला चित्र हमारा है ए वाला है, ठीक है। 20 है, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो वही है, आप इसको कोरिलेशन बनाते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा बी, कौन सा बी। 21 है, ए बी सी डी डैश के स्थानीय मान है 1 2 3 4 डैश तब, तो ये आपको सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका आंसर बनेगा आपका डी, ठीक है। 28 क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या, तो आपको विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, 41। 23 है, चित्र का मिलान कीजिए जिसमें उतनी ही संख्या की तिर्यक रेखाएं हैं जितनी कि निम्नलिखित चित्र में है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंक श्रृंखला में से गलत अंक को पहचानिए। अब ये अंक श्रृंखला दी हुई है 1851 150 487 1338, इसमें से गलत अंक को आपको पहचानना है, कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन होगा, इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें जो गलत अंक मिला है वो है हमारा 487। क्वेश्चन नंबर 25 है, और ये बॉर्ड मास का जो नियम है वो लागू होता है भाई इनमें, ठीक है, स्थानीय मान भी दे रखा है इसमें, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सही उत्तर ज्ञात कीजिए, वही आपको नेक्स्ट पिक्चर बता रही है 26 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वही है जो कूटबद्ध करना है आपको, तो पठानकोट को किस तरीके से लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में ये पूछा गया है आपसे, तो 27 में पठानकोट को आप ये इस तरीके से लिखेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग नंबर बिल्कुल मतलब सिक्योर कर सकते हैं इनमें। मोहन इज़ वेरी यंग का कूट है रैट मैट लैट टैट, ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें अलग अलग लिख के और बहुत ईजिली क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है, तो यहाँ पे पूछा गया है बॉयज़ में भी हैंडसम का कूट क्या है, तो जब आप इन्हें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कूट किसका है, तो इस तरीके से आप सही कूट निकाल पाएंगे। तो 28 जो है उसका सही कूट बनेगा कैट फैट बैट सेट। 29 है, एक पासे की तीन स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, दो बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे दो बिंदु के पीछे पूछा है कितने विपरीत, मतलब विपरीत कौन से बिंदु होंगे, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपका 29 है उसका आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सही उत्तर का ज्ञात कीजिए, तो 30 का आपका यही हो जाएगा सी। तो ये 30 क्वेश्चंस थे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज ज्योति हियर। और आज की वीडियो में हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का स्पेशल बीएड का एंट्रेंस पेपर सॉल्व करने वाले हैं, और आज की वीडियो में मैं अभी आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस। अगर इस 50 क्वेश्चंस के लिए ठीक ठाक रिस्पांस आया देन नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी ये दो पार्ट में आपके सामने वीडियो आएगी, और जो तीसरा पार्ट होगा इसका वो कंपाइल करके आएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना है, और ये पेपर आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ए बी सी 4 सेट हैं और सभी में क्वेश्चंस नंबर चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है, तो आई थिंक एक ही पेपर सॉल्व कराना आई थिंक ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड इसके अलावा इसके जो आंसर की है उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं,
तो प्लीज़ आप लोग एक बार मैच कर लेना, क्योंकि मैं जो अभी आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ वो मैंने पूरा क्रॉस वेरीफाई किया है, देन उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। और स्टिल अगर कोई डाउट रहता है, कहीं कोई कंफ्यूजन है या कहीं गलत आंसर मैंने अगर दे दिया हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इसके अलावा मैं यहाँ पेपर जो सॉल्व करवाने वाली हूँ वो हिंदी में करवाने वाली हूँ। इंग्लिश वाले कैंडिडेट वीडियो को, ये साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है, बायलिंगुअल आता है पेपर आपका, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो यहाँ है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, CDRI, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो ये पूछा गया है आपसे कहाँ है, तो ये यूपी लखनऊ में है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एंट्रेंस पेपर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आनंद मठ किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी इनका पूरा नाम है। 10 दिसंबर सभी को पता है मानवाधिकार के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपके करंट के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2017 में भारत का स्थान था, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 103, ठीक है, 103वां। यूरिया क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, ठीक है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका ए हो जाएगा। एंड इसके अलावा कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो यूरिया को कार्बामाइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर यूरिया पूछा जाता है या कार्बामाइड पूछा जाता है, तो आपका आंसर ए ऑप्शन आएगा, या यूरिया को या कार्बामाइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको इन दोनों के सिनोनिमिक तरीके से पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विटामिन B12 रक्तरोधी कारक, ठीक है, विटामिन सी रक्तशोधक कारक, विटामिन डी एंटी स्टेरियोलेटी कारक, विटामिन के आपका गलत है, एंटी हेमोरेजिक कारक, तो ये इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय पार्क है, तो इसका आंसर है बी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क को और जब ये बना था तो किस नाम से जाना जाता था, तो इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 करके देन आप लोग इसका आंसर मुझे करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आंसर ज़रूर करेंगे। लर्निंग दोनों साइड से होनी चाहिए, वन साइडेड लर्निंग आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं चलने वाली है ना, तो प्लीज़ आप लोग जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो उनके कमेंट में आंसर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये मुख्यालय वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, तो ये प्लीज़ आप लोग प्रिपेयर करके जाना, इवन अलग से भी आप लोग इसको रेडी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका है वाशिंगटन DC USA। नागपुर किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो नाग नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये तो ऐसा लगता है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको रट लेना कि जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद इसका आंसर है, तेलंगाना हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1952 में, और अगर मैं इसकी डेट की बात करूँ तो 3/4 यानी 3 अप्रैल 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा हमारी वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं बिल्कुल ध्यान से देना है, हम लोग कभी कभी अभी तो जल्दबाजी में होते हैं कि हम लोग सही वाले पे कि कौन सा सुमेलित है ऐसे लगा देते हैं ना। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू विरोध दिवस 5 मई को मनाया जाता है। हाँ ओके, तो ये हमारा गलत है।
हमारा जो तंबाकू विरोध दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है। तो ये सही है, और मतलब सही 31 मई है, 5 मई गलत है। ओजोन दिवस बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबको रट ही गया होगा, तो 16 सितंबर इसका आंसर है, तो थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तंबाकू विरोध दिवस याद रख सकते हो, 31 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस के कारण, वो कौन सी गैस के रिसाव के कारण वो जो त्रासदी हुई थी भोपाल ट्रेजिडी, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर है ए मिथाइल आइसोसाइनेट। ये है 1 kg कार्बन के जलने पर कितनी CO2 निर्मित होती है, 11/3 kg, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण पर निर्भर करता है, निम्न में से कौन सा ईंधन कम वायुमंडलीय प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टैंड अप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, तो इसका उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने में किया जाता है, निम्न में से कौन सी तरंगों में प्रति फोटोन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो इसका सही आंसर है ए एक्सरे रेंज। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सियाचिन। वर्ल्ड में नहीं पूछा है, इंडिया में पूछा गया है, बट इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आप इंडिया के मद्देनज़र रखते हुए इसका आंसर करेंगे, बाकी ये इंडिया में ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद है 20, मतलब इंडिया में है सारे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 नवंबर 2017 में कौन सी संस्था अस्तित्व में नहीं है या नहीं थी, ठीक है, कौन सी संस्था अस्तित्व में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि ये कोई भी संस्था 2017 में निर्मित नहीं हुई थी, मतलब ये बनी नहीं थी, क्योंकि योजना आयोग आपका 1950 में बना है, और अगर मैं डेट की बात करूँ तो 15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग बना था, वायदा बाजार आयोग आपका 1950 में बना था। प्लीज़ आप इसको कहीं छोटा छोटा नोट डाउन करके नोट्स भी बना सकते हो, और विदेशी निवेश प्रबंध संवर्धन बोर्ड ये आपका 1991 में बना था, तो यानी 2017 में इनमें से कोई भी संस्था बनी नहीं है। बाकी आपसे FIPB का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, तो ये फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना, ठीक है। और FMC का भी पूछा जा सकता है, तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बार देख लेना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो कि एक सुप्रीम विकास वित्तीय संस्था है उसका मुख्यालय है, यानी नाबार्ड की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये नाबार्ड है हमारा, नाबार्ड की फुल फॉर्म याद कर लेना, ये यहाँ पे दी हुई है, और हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बोलते हैं। तो नाबार्ड का यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। 23 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब इसके बाद है, ये देखने से ही पता चल रहा है कि निम्न चाहिए, एक रीजनिंग के क्वेश्चन से आप लोग लेवल देख सकते हैं, किस लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 3 ऐसे हैं जो रिलेटेड हैं, 1 रिलेटेड नहीं है, तो ये रिलेटेड क्यों है आपको देख के पता चल रहा है, तो 289 इसका सही आंसर है, यानी ये रिलेटेड नहीं है, तो इन्होंने पूछा है जो सुमेलित तो नहीं है, संबंध नहीं रखता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 53 आंसर आएगा, 53 ऑप्शन में नहीं है, यानी इसके जो आंसर की में स्टार मार्क किया हुआ है, यानी अगर कोई क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, तो उसके जो मार्क्स है, उसका जो बेनिफिट है वो सभी को होता है, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 53 इसका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा सी, सांस लगेगी, ठीक है। अब है इसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने 4 × 8 = 8, 9 + 10 = 11, 6 × 24 = 24 में 5 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 + 4 = 19 आ गया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दिया है, तो जो 27 है आपका उसका आंसर आपका डी हो जाएगा।
और ये देख के पता चल रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा संबंधित है। तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। और आंसर की में डी दिया हुआ है जबकि होना नहीं चाहिए। तो मैं वही कह रही हूँ कि आंसर की आप खुद से भी देख लेना, और मैंने इसको ठीक से मतलब अच्छे से किया है, और फिर भी मुझसे भी कोई गलती हुई तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। 29 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प निम्नांकित का उत्तर होगा, ठीक है। यदि 2 = 5, 4 = 8, 6 = 39, 8 = 68, तब 10 का क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका आंसर आपका हो जाएगा बी 105, ठीक है। श्रेणी को पूरा कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग इजीली इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है सही विकल्प का मतलब विकल्प चुनिए। आयतन लीटर हो जाएगा और आपका जो क्षेत्रफल है वो आपका हेक्टेयर हो जाएगा। जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है, पेज, ठीक है। पेज मिलकर पुस्तक बनती है, ईंटें मिलकर दीवार बनती है। और ये वही है, राज उससे बड़ा है, यश उससे छोटा है, ये इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा आपका ए यश। सॉल्व करके ज़रूर देखना, रीजनिंग सॉल्व करने से ही अच्छी स्ट्रांग होती है। 34 है ये कोड है, और इस कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 35 है ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आ जाइए 36 पे, 36 का आपका आंसर ए है। और क्वेश्चन नंबर 37 है आपका डी, ठीक है। सॉल्व करोगे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर जो 38 है ये भी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन से ज़्यादा पूछते हैं, तो इससे आप लोग आइडिया ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा बी बहन का। देन उसके बाद आपका है क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है आपको क्या आएगा, तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो। 1, 3, 2 का गैप है, ठीक है। 1 में 2 प्लस किया 3 आ गया, और उसके बाद तो इसमें कैसे करोगे आप लोग, इसमें 1 = 3 करना है आपको, 3 आ जाएगा। फिर 3 = 3, 3 × 3 = 9 आ गया। फिर 9 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये सॉरी 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से किया 3 आया, 3 को 3 से किया, एक सेकेंड ये रहा, 1 को 3 से किया 3 आ गया, फिर 3 को 3 से किया 9 आ गया, फिर 9 को 3 से किया फिर 27 आ गया, ठीक है। अब 9 को 27 से करोगे तो क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है आपका इसका सी आ जाएगा, 243 आपका आंसर आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कितने त्रिभुज है इसमें ये पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका हो जाएगा डी 38। उसके बाद हमारा है 42, रानी झांसी मैरीटाइम राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1996 में, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है 43, निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है, तो रतौंधी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 है, LPG सिलेंडर के लीक होने पर कौन सी गैस जो निकलने वाली दुर्गंध होती है उसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इथाइल मरकप्टेन, तो उसको याद कर लेना, पूछा जाता है बार बार। ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा चीन में किस बैंक की स्थापना की गई, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। अब है हमारा इसमें तालिका में पूछा गया है कौन सा अक्षर आएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है आपका उसमें आपका आएगा Z, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विजातीय है, डिफरेंट कौन सा है, सौम्य, बधिर, विनम्र, सुशील, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ए 3 गुण है और एक डिसेबिलिटी को दर्शाता है। 48 है, निम्न में से किस अंग को सुई से छेदने पर दर्द महसूस नहीं होगा, मस्तिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से गाइटर होता है, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50, फलों में मीठा स्वाद होने का क्या कारण है,
इसका फ्रक्टोस इसका आंसर है। और मुझे सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि अगर ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही मैं आगे के 50 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ आप लोग, मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाके वहाँ से पेपर डाउनलोड करके आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया तो मैं 2020, 21, 22, 23 सारे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा दूँगी। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने जितने भी ग्रुप्स में आप ऐड हो प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक बच्चा बड़ा होता है परंतु जो उसका व्यवहार है, उसका बिहेवियर है, वो बच्चों की तरह होता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकलांगता। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विशेष विद्यालय एक ठेठ नमूना है, स्पेशल एजुकेशन अलगाव होता है, अलगाव को शो करता है, सेग्रेशन को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 53, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम डैश वर्ष में लागू हुआ, जो RPWD एक्ट है वो 2016 में आया था और 2017 में लागू हुआ था, और 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। अगर आपसे कोई डेट पूछे तो बिल आया था 2016 में, RPD अधिनियम 2016 में कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया है, जो RPDW एक्ट है या RPD एक्ट है उसमें 21 विकलांगताएं हैं, ठीक है। जो पहले था, जो 1995 में आया था, उसमें 7 थी, बाद में इसमें 21 कर दिया गया इसको टोटल। अब हमारा है राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है और इसको 1984 में पंजीकृत किया गया था, ठीक है, 1984 में, और 1985 से इसने अपनी सेवाएं देनी स्टार्ट कर दी थी। श्रवण मापा जाता है डेसिबल में, आप लोगों को पता ही है। विशेष शिक्षा है, विशेष शिक्षा क्या है ये आपको बताना है, तो विशेष शिक्षा है विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अलग से स्कूल्स बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल एजुकेशन, जो वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जाती है अलग से स्कूल में, उसको हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। जब हम आप जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं जिनमें हर तरीके का बच्चा पढ़ता है, तो उनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, लेकिन जब हम जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनको पढ़ाते हैं तो उसको स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, अलग करके पढ़ाते हैं जब, ठीक है। अब है विशेष शिक्षा डैश के द्वारा प्रदान की जाती है ये आपको बताना है, तो विशेष शिक्षा, विशेष अध्यापक जो स्पेशल एजुकेशन होता है, जिसने कोर्स किया होता है उनको पढ़ाने का, वो उनको पढ़ाता है। हम विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं, ये पूछा जाता है। कुल संप्रेक्षण में शामिल किए जाते हैं सभी साधन, इसका आंसर है। श्रवण डैश के द्वारा मापा जाता है, तो श्रवण किसके द्वारा मापा जाता है ये आपको बताना है, तो ये ऑडियोलॉजिस्ट होता है उसके द्वारा इसको मापा जाता है। देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ना आपको, मतलब समावेशी विद्यालय से क्या तात्पर्य है, इंक्लूसिव जो स्कूल्स होते हैं, तो इसमें विकलांग बच्चों के साथ सामान्य बच्चों का विद्यालय। एक सामान्य व्यक्ति में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है, एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता क्या होती है, तो 20-20 फीट इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय वर्ष डैश में प्रारंभ हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1887 में, और ये कौन सा विद्यालय था प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। 66 है डैश दृष्टिहीनों के लिए चले सुनता उपकरण है, तो वो छड़ से ही, छड़ होती है सफ़ेद छड़, उसी से वो अपनी है मोबिलिटी करते चलते हैं, ठीक है, जो दृष्टिहीन होते हैं। स्वालीनता से ग्रसित व्यक्तियों को समस्या हो सकती है, जो ऑटिस्टिक होते हैं, जो स्वालीनता से ग्रसित होते हैं, वो स्वालीनता मतलब खुद में ही लीन होते हैं, तो सामाजिक अंतक्रिया, जो हमारा सोशल इंटरेक्शन करने में उनको दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, और उनका बिहेवियर भी अजीब सा ही होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी 67 का। 68 की बात करें, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को समस्या होती है, शारीरिक विकलांग व्यक्ति को समस्या होती है, तो जो शारीरिक विकलांग व्यक्ति होता है उसको चली सुनता में दिक्कत होती है, बाकी चीज़ें तो वो फिर भी मैनेज कर लेता है। डैश एक छुपी हुई विकलांगता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो अधिगम विकलांगता, लर्निंग डिसेबिलिटी एक छुपी हुई विकलांगता है जो कि हमें पता नहीं चल पाती है। BEd विशेष शिक्षा कार्यक्रम डैश द्वारा मानकीकृत है, अगर आप BEd की बात करेंगे तो NCTE इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे BEd स्पेशल एजुकेशन का बोला हुआ है तो RCI, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग इनके फुल फॉर्म्स देख लेते हैं,
तो RCI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। MHRD की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे MSJEE जो है इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसको आप एक बार कर लेना, जो फुल फॉर्म्स मैं बताती हूँ आपको बीच बीच में, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, एक और एक मिलके 11 बन गए, मतलब जनसंख्या बढ़ गई है ना, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई। 72 है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसने लिखी है, तो स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखी है, और ये ब्लैक होल के बारे में थी ये बुक। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र हमारा है ओशियनिक। उसके बाद है भारत का राष्ट्रपति, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद एवं राज्यसभा के विधानसभा द्वारा चुनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, सबको पता होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, ये जो बाकी के 3 डेट्स हैं इनमें अगर कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो प्लीज़ आप बता सकते हो, और नहीं बता सकते तो आप इसको कहीं मेंशन करके रख सकते हो, क्योंकि डेज पूछे जाते हैं आपसे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है 78.084। 78 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो सभी आएगा अगर पूछा जाता ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक अगर पूछा जाता तो सूरज आंसर आता है इसका, लेकिन अभी सारे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो स्मॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है, आयरन में होता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है, तो वैश्विक ताप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है ये। रतौंधी ए विटामिन ए की कमी के कारण होता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, 82 हो गया 83। पवन का पर्यायवाची समीर 84 है। अंतर्मुखी का विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी 85 है। आँखों का तारा बहुत प्यारा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हमारा 86 है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं है, ये पूछा हुआ है, तो इसका 1 आंसर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का। ठीक है, अब है हमारा 90 का। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 330 से पूर्णतः विभाजित है, ये आपको बताना है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। 91 है, 21 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग है, तो वो है 540। 32 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर का अनुपात है, तो 92 का हो जाएगा डी। संख्याएं 2, 4, 6, 8 डैश एक सेट है, तो ये बताना है आपको, तो ये एक सम संख्याओं का सेट है। अगर आप इसका सरलतम रूप देखेंगे तो इसका सरलतम रूप आ जाएगा आपका 7/9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 95 है। सिनोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, क्या होता है आशावादी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉमिसिंग हो जाएगा इसका सही आंसर, आशावादी। ठीक है, डल मतलब पता ही है, बेयर मतलब सहन करना भी होता है, बेयर मतलब निर्वस्त्र भी होता है। ठीक है, और सिंपल पता ही होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे बोला है अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है कि प्रचुर है, मतलब मात्रा में ठीक है, बहुत अधिक है क्वांटिटी में। अब इसका एंटोनिम बताना है कि इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा अबंडेंट का। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्कार्स। स्कार्स मतलब मात्रा, प्रचुर मात्रा में नहीं है, मतलब अपर्याप्त, और अबंडेंट का मतलब हो जाएगा पर्याप्त। 97 है। नंबर ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो 5 वॉवल्स हैं हमारे, 97 का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 98 की बात करें, सिनोनिम ऑफ एलोबरेट, एलोबरेट मतलब उसको अच्छे से बताना, ठीक है, डिटेल्ड में बताना, तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा। उसके बाद देहरादून एक प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब होता है अखंडता, तो होलनेस मतलब पूर्णता, ये तो होगा नहीं इसका मीनिंग। यूनिक मतलब सबसे अलग, ये भी नहीं होगा। स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो नन ऑफ द अबव, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप लोग पेपर और इसके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग वीडियो देखेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं आंसर की में, और रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं आई थी, दैट्स वाई।
सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर वन है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की कौन सी फसल उगाई जाती थी, तो जौ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था, सबको पता ही है, 1526 में लड़ा गया था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। अगर डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 1946। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। देन उसके बाद है, भारत में वर्तमान में कितने जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक, कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, तो सेवा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य सरकारों का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, सबको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चार धाम यात्रा का भाग नहीं है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, द्वारका है, लेकिन वाराणसी नहीं है, पूरी उड़ीसा में है, ठीक है, ये चार है हमारे। 15 है लोटस टेम्पल, सबको पता ही है, शिमला में तो खैर नहीं है, अच्छा दिल्ली में है। असम का लोक नृत्य बिहू है। उसके बाद हमारा है फिलॉसफी, शब्द की उत्पत्ति फिलो प्लस सोफिया से हुई है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। योगात्मक मूल्यांकन मतलब सबमिट कर रहे हो, और जब सबमिट करते हो तो सत्र के अंत में करते हो, तो भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा का पहला स्कूल परिवार को कहा जाता है। नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष थे वो के कस्तूरी रंगन थे। शिक्षा नीति जो है इसका जो क्या बोलते हैं ढांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डी आएगा। 24 का जब आप इसका औसत निकालेंगे 24 का, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी। देन उसके बाद इस समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। उसके बाद 120 का कितना प्रतिशत 90 होगा, तो 75% इसका आंसर हो जाएगा। पहली 10 विषम संख्याओं का औसत है तो कितना है, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 का आंसर हो जाएगा 10। 28 है हल कीजिए, जब आप इसे हल करेंगे तो हल करने पे आपको सही उत्तर मिलेगा 37। सही विकल्प का चयन कीजिए 65 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद हमारा 31 है, 31 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 121। 32 में आपका हो जाएगा 1854। देन उसके बाद है, यदि पिछले कल से एक दिन पहले शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन आएगा, तो बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं, सबको पता ही है। भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। उसके बाद हमारा 39 है, भारत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, मैं लास्ट ईयर घूमने भी गई थी इधर। केदारनाथ भगवान शिव से रिलेटेड है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो हल्द्वानी में है। द एग्ज़ाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है ये बुक। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर जनरल सरोजनी नायडू थी। कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है, सतलुज नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी। संतोष ट्रॉफी हमारी फुटबॉल से रिलेटेड है। देन उसके बाद हमारा है मुंशी प्रेमचंद का उपनाम क्या था, धनपत दास इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो 1913 इसका सही आंसर हो जाएगा।